क्या चाहिए, पैदा होते ही इंजीनियर बने। पड़ोस के घर में अगर एम्बेसडर है तो मेरे घर में मर्सिडीज चाहिए। तब तक कंपैरेटिव सोसाइटीज बन गई। फ्रूट के ऊपर सबकी नजर, चमक के ऊपर सबकी नजर है, जिसको हम टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग पे सबकी नजर है, कोई ये देखता ही नहीं टिप के नीचे एक बहुत बड़ा मास है, जिस मास पे ये टिप जुड़ा हुआ है। कोई ये देखता ही नहीं, इतना बड़ा फ्रूट ऊपर जो लगा है, बिना शूट्स के और बिना रूट्स के आ ही नहीं सकता। लेकिन सबकी नजर किस पे है, मैं सुंदर दिखूं, अंदर भले ही दुर्गंध से भरा पड़ा, कई कई दिन नहाया भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदले हूं, बाहर से सुंदर दिखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलूं, कई बच्चे हमारे हैं लगे होते हैं इंग्लिश कोचिंग सेंटर पे जा रहे होते, क्यों भाई, अंग्रेजी सीख, बाद में उस अंग्रेजी का क्या करेंगे उन्हें भी नहीं पता। लेकिन टिप से हर कोई अपने आप को ड्राइव कर रहा है। जो रूट्स हैं, हम रूट्स ही भूलते हैं, और हमारी सभ्यता, हमारी शैक्षिक सभ्यता रूट्स आधारित है। अगर आप दो सोसाइटीज का, वेस्ट और ईस्ट का विश्लेषण करें, आप हैरान हो जाएंगे। जो शैक्षिक व्यवस्था भारत की थी वो दुनिया में कहीं नहीं थी। हमारे यहां की शैक्षिक सभ्यता थी फोकस ऑन इंटरनल कंफर्ट्स एंड देन रिमूव द एक्सटर्नल डिसकंफर्ट्स, यानी पहले अंदर से अपने आप को कंफर्टेबल करो। कंफर्टेबल करो मतलब अपने आप को जानो, आप हो कौन, आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपका रोल क्या है। और इंटरनल कंफर्ट जब आप समझ जाए, आपकी अवेयरनेस इतनी बड़ी हो जाए, आप इतने स्ट्रेंथन हो जाओगे कि एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन वेस्ट की शिक्षित पद्धति क्या है, फोकस ऑन एक्सटर्नल कंफर्ट्स, पहले गाड़ी बंगला मनी पैसा कैपिटलिज्म ये आ जाए, एंड व्हाट हैज दैट गिवन देम, इंटरनल डिस्कम्फर्ट्स। दुनिया की सबसे बड़ी डिप्रेसिव कम्युनिटी कहां पे है आज आपको वेस्ट में मिले, 20% से ज्यादा लोग डिप्रेशन से मर जाते हैं। बाप एक घर में रहता है, बेटा दूसरे घर में रहता है। मैं जब घूमता था यूएस में, मैं हैरान हो जाता था कि एक होटल में बाप बेटी दोनों रह रहे हैं, कहीं कहीं तो हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हैं। और जिस समय बिलिंग का टाइम आता था, डॉक्टर साहब बड़ी हैरानी है, आपने ध्यान देखा होगा, जो फादर है वो अपने रूम की बिल सेटल कर रहा है और बेटी अपने रूम की बिल सेटल कर रही है। कहीं कहीं पे तो हस्बैंड वाइफ अपने अपने बिल्स को अलग सेटल कर रहे हैं। क्यों, इंडिविजुअलाइज्ड सोसाइटी हो गई। जो सोशल भाव था, जो कम्युनिटी भाव था, जो कोहेशन का भाव था, जो फैमिली का भाव था, जो इंक्लूसिविटी का भाव है ही नहीं, बिकॉज टिप से दौड़ लगाई। तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहला फंडामेंटल था इनका, इक्विटी, दैट वॉज That, I think that's fantastic, phenomenal. लेकिन अगर हम भारत को समझें तो हम उस इक्वालिटी को समझ सकते हैं। अगर भारत को नहीं समझेंगे तो हम उस इक्वालिटी में राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले उनके इस विचार से बहुत ही, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये मैं अपने जीवन की शैली की बात बता रहा हूँ, मुझे ये शैली सही और सबसे उद्यम लगी भारत की। दूसरा जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और जो बड़ा ही प्रेरणादायक है, और आज भारत को उसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आज के दशक में अगर वो लाने का प्रयास करते तो शायद होता नहीं, इतनी बटी है हमारे समाज की सोच की व्यवस्था, वो थी वुमेन एम्पावरमेंट। उस दशक में उन्होंने खूब जद्दोजहद की कि हिंदू कोड बिल को लाया जाए, अगर आप लोग जानते होंगे, और कितना विरोध हुआ उसका, कितना विरोध हुआ कि हिंदू कोड बिल को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल आए। क्यों आए, जो कुरीतियां समाज के अंदर कई वर्षों से जमा हो गई थी, जिसमें एक वुमेन का जो राइट था, जो हमारी एंसेस्टर्स ने, हमारे हमारे पूर्वजों ने जो वुमेन को राइट दिए थे, वो समय के साथ साथ कुछ नीतिगत स्वार्थों के कारण से खत्म हो गए या तो कम हो गए। वो वुमेन राइट्स को रीएस्टैब्लिश कराने में
इन्होंने जो योगदान किया है मुझे लगता है शायद ही किसी ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक वुमेन मैरिज एक्ट वाला जो था हिंदू कोड बिल के द्वारा वुमेन को इक्वल राइट्स, बेटे को राइट्स है तो वुमेन को राइट क्यों नहीं, बेटी को राइट्स क्यों नहीं, डिवोर्स के राइट्स क्यों नहीं, रीमैरिज के राइट्स क्यों नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इन्होंने उस समय अपने कलम से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीजें नहीं लाई, ये अलग बात है कि उस समय फर्स्ट डिबेट में वो पारित नहीं हुआ क्योंकि बहुत विरोध हुआ, क्योंकि बाद में भारत को 1956 में लाना पड़ा। इसलिए इनका तो पूरे समाज को आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो समानता थी, मैं तो ये जान समझता हूं कभी कभी उनका तो टारगेट था यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सारा कानून एक हो सबके लिए, किसी में भेदभाव ना हो समाज में, चाहे वो महिला है, बच्चे हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इंपैक्ट करता है वो है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय। हमने 70 साल बाद देखा और हमारे लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था, ऐतिहासिक पल था, क्योंकि कश्मीर की यूनिटी भारत के साथ केवल जमीन की यूनिटी नहीं, कश्मीर केवल भारत के साथ इसलिए नहीं रहना है क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा भारत के साथ रहना चाहिए, ये गलत धारणा है समाज में और ये जानते थे। आप इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जिस प्रकार का वर्णन इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति किया है, शायद ही किसी को नॉलेज थी उस समय में कि जितनी नॉलेज वो बुद्धिज्म के बारे में और कश्मीर के पंडितों के बारे में रखते थे शायद ही किसी समाज के किसी प्राणी को उस समय थी। जहां आज आप विक्रमी सांवत घरों में हमारे सांवत हैं जिसके एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हम देखते हैं, आप सब लोग परिचित होंगे, लेकिन उससे भी पुराना एक संवत है सप्तऋषि संवत जो 5,500 साल से भी पुराना है। यह सप्तऋषि संवत कश्मीर का निकला हुआ है। कश्मीर की यूनिटी जमीन की नहीं थी, कश्मीर की यूनिटी कल्चर की थी, हेरिटेज की थी, प्रैक्टिसेस की थी, वैल्यूज की थी, बिलीफ्स की थी, ये वो जानते थे। यही कारण था शंकराचार्य को साउथ से उठकर नॉर्थ में कश्मीर जाना पड़ा ये देखने के लिए ये असल में है क्या चीज वहां। विवेकानंद को अपने मठ से निकलकर कश्मीर जाना पड़ा ये देखने के लिए कि है क्या वहां पे। और उसके बाद जिस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में की है हमसे तो छुपी नहीं, किस प्रकार का वर्णन शक्तिपीठों का उन्होंने कश्मीर का किया हुआ है। तो पुराने पुराणों में आप जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ा पुराण नीलमत पुराण, चौंका देने वाला पुराण जो हम सबके सामने जब हम इसको रखते हैं, 3rd-4th century का लिखा हुआ, और जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, महर्षि वैशंपायन एंड राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजया। महर्षि वैशंपायन और राजा जनमेजया का संवाद है जहां से पहला प्रश्न शुरू होता है और पूरा नीलमत पुराण उस पर चलता है। पहला प्रश्न है कश्मीर के राजा ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। आप अंदाजा लगाइए इतने 1,000 साल पहले कश्मीर के राजा ने महाभारत के अंदर भाग क्यों नहीं लिया, ये महर्षि वैशंपायन से राजा जनमेजया पूछते हैं जिसके ऊपर पूरा नीलमत पुराण लिखा हुआ है। कश्मीर का भारत से लिंक जमीन का नहीं है, सभ्यता का है और ये वो जानते थे। और इसीलिए जब धारा 370 को हमारे नेहरू जी और हमारे शेख अब्दुल्ला लेके आए थे उसका पूर्ण विरोध किया, और विरोध भी ऐसा कि मजबूरन नेहरू जी को उसके बाद सी गोपालाचारी जी को लाना पड़ा। और सी गोपालाचार्य ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि जब शेख अब्दुल्ला जी उनके पास आते थे तो कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन था कि वो रिजाइन करने की सिचुएशन में आ गए थे। और बाद में पटेल जो हमारे देश के इंटीग्रेटर हैं उन्होंने फिर इस सिचुएशन को संभाला और उसके बाद धारा 370 को एक कंडीशनल फॉर्मेट के नाते हमारे सामने लाया। परंतु
जो फंडामेंटल था एक विधान एक प्रधान एक निशान वाला, इस कॉन्सेप्ट के एक प्रकार के जनक भी डॉक्टर बाला साहब थे। मुझे नहीं, मैं इतनी ज्ञान नहीं रखता कि उन्होंने वो लिखा कि नहीं, लेकिन 370 को नहीं होने देने के लिए उनका मत तो यही रहा होगा, भारत में एक ही संविधान रह सकता है, भारत में एक ही प्रधान रह सकता है, भारत में एक ही तिरंगा रह सकता है। यही कारण था कि उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया। और ये बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं, जिस समय ये बिल प्रेजेंट की गई, मैं कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़ता था क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, मैं देखा उसमें डॉक्टर साहब एब्सेंट रहे। जिस समय ये बिल पारित हुई, डॉक्टर साहब उस बिल में एब्सेंट रहे और उन्होंने वॉकआउट किया था एक प्रकार से, और मैं प्रोटेस्ट किया था, वो गए नहीं उस बिल के डिबेट्स के। और आज जब 70 साल बाद एक निशान एक प्रधान एक विधान भारत के अंदर हुआ होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है उनकी आत्मा को वास्तु की शांति मिली होगी कि ये भारत फिर से एक। आपने मुझे आज इस अवसर में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय हो गया है, मेरे को जितना समय दिया गया था मैं उससे ज़्यादा नहीं खींचूँगा, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे आज इस महान हस्ती के बारे में बोलने का अवसर मिला। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।